बेटा आपको याद होगा कि हम लोग लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट्स पर हमने फाइंड आउट किया हुआ था, और उसके साथ एक चीज़ और भी आपको बताई गई थी कि अगर गोलीय कोष क्या होता है, गोलीय कोष में कितनी कैटेगरी है, और अगर ठोस गोला है तो उसमें भी दो तरह की कैटेगरी हो सकती हैं, चालक और अचालक। आप सभी को याद होगा कोष का मतलब एक खोखला गोला, शेल उसको कहते हैं हम लोग। अब अगर खोखला गोला चालक हो या अचालक हो, ऐसे खोखले गोले को अगर आप कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है, तो ठोस गोले को जब आप चार्ज देते हैं तो वो चालक है या अचालक है इस पर डिपेंड करता है। अगर वो चालक है तो उसको दिया गया टोटल आवेश उसके सरफेस पर ही आके वितरित हो जाएगा एक समान रूप से। लेकिन अगर वो अचालक है ठोस गोला, तो उस स्थिति में उसको दिया गया पूरा आवेश उसके अंदर पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और बिल्कुल सेम वही सिचुएशन लगेगी आपको जैसे एक तरबूज में। तरबूज एक ठोस गोला है और उसके भीतर जो उसके बीज ब्लैक कलर के उसमें लगे हुए हैं वो चार्जेस की तरह बिहेव करेंगे। तो हमने क्या देखा लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने यही चीजें समझी और देखा कि केवल दो ही तरह की कैटेगरी हो सकती हैं, गोला ठोस हो चाहे खोखला। अगर चालक का है तो उसका आवेश उसकी सरफेस पर एक समान रूप से वितरित रहेगा, लेकिन अगर ठोस गोला अचालक बना हुआ है तो उसका संपूर्ण आवेश उसके अंदर पूरे आयतन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसमें से एक केस हम यहां पर लेते हैं। अब दो केस हम लोगों के पास हो गए, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें हम सबसे पहले सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, जिसमें मेरे पास एक गोला है, ठोस नहीं है, खोखला गोला है, जिसे हम गोलीय कोष कहते हैं, स्फेरिकल शेल। इस स्फेरिकल शेल की रेडियस r है, इसको हमने जब चार्ज दिया तो यह पूरा का पूरा चार्ज एक समान रूप से इसके पूरे के पूरे पृष्ठ पर वितरित तो हो जाता है। ये इस तरह से पूरे के पूरे सरफेस पर वितरित हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारा आज का आर्टिकल है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, हम लोग कर रहे हैं गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। उसमें से नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टर शेल, एक आवेशित चालक कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेशित गोलीय चालक कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय और कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। ओके, इतनी सारी चीजें यहां पर हमने देखी। अब इसमें से कुछ बातें हैं जो मैं नोट कर लेता हूं। सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं, माना गोलीय चालक कोष की त्रिज्या, हमने ये जो गोलीय चालक कोष माना है इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर मानी है। माना गोलीय चालक कोष को दिया गया आवेश कुल आवेश, हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास गोलीय चालक कोष है, स्फेरिकल सेल है, इसको हमने टोटल क्यू चार्ज दिया हुआ है, टोटल क्यू चार्ज मैंने इसे दिया है। बेटा अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इस गोलीय चालक कोष का क्षेत्रफल कितना होगा, गोलीय चालक कोष का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल
एरिया जिसे आप बोलेंगे, तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। आप सभी बच्चे जानते हैं कि गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब क्योंकि इसमें जो भी चार्ज बेटा हमने दिया हुआ है वो चार्ज इसकी सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हुआ है, तो ये एक प्रकार का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक प्रकार का पृष्ठ आवेश वितरण है। तो मान लेते हैं, माना माना गोलीय चालक कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, गोलीय चालक कोष पर पृष्ठ आवेश घनत्व, याद करें बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखा गया है। और यह पृष्ठ आवेश घनत्व ही क्या होता था, एकांक क्षेत्रफल का आवेश, यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा। अब आप सभी जानते हैं कि अगर गोली चालक कोष को दिया गया कुल आवेश क्यू है, गोली चालक कोष का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² है, गोली चालक कोष पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तब सिग्मा का बेटा एक फॉर्मूला है आप सब जानते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर कुल आवेश, तो कुल आवेश मैंने क्यू मान लिया अपॉन एरिया, एरिया हमने मान लिया लिख दिया 4πr². ये पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला है। आप चाहें तो यहां से इस गोले पर कुल आवेश की क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, इट विल बिकम सिग्मा इंटू 4πr². तो इतना तो मैंने स्टार्टिंग में कर लिया, ये गोलीय कोष की वजह से। फिर से एक बार देख लें, गोली कोष की त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मानी, गोली चालक कोष को दिया गया कुल आवेश कैपिटल क्यू मान लिया, गोली चालक कोष को पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 4πr², आयतन 4/3πr³ होता है लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है, और यही अगर सर्कल होता तो इसका क्षेत्रफल होता πr² केवल। गोली कोष पर पृष्ठ आवेश घनत्व हमने मान लिया सिग्मा है, सिग्मा का फॉर्मूला टोटल चार्ज अपॉन एरिया, तो इस तरीके से चार्ज की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सिग्मा इंटू 4πr², ये कैपिटल क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, फिर से इस पर आते हैं, मेरे पास ये एक स्फेरिकल शेल है रेडियस आर, और इसको हमने क्यू चार्ज दिया जो कि इसकी सरफेस पर आउटर सरफेस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मुझे इस आवेशित गोली कोष की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बेटा अगर इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो मैं आपको सबसे पहले यह बता देता हूं कि मैं इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा वो तीन बिंदुओं पर निकालूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीन बिंदुओं पर। कौन कौन से बिंदुओं पर? एक बिंदु तो होगा जो गोलीय कोष के बाहर होगा, पी, आउटसाइड द शेल। एक पॉइंट मैं लूंगा गोलीय कोष पर सीधे, कि अगर इसकी सरफेस पर कोई पॉइंट है तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी अगर कोई पॉइंट इसके सरफेस पर है तो। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लेंगे कि अगर तीसरा एक पॉइंट और है जो कि गोलीय कोष के अंदर है किसी जगह पर, यहां है, यहां है, यहां कहीं पर भी है, एनीवेयर इनसाइड द स्फेरिकल शेल, अगर अंदर कहीं पर है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हम तीन बिंदुओं पर, तीन अलग अलग बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो एक एक बिंदु पर पहले पता लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं बाहरी बिंदु पर, बाहर वाले बिंदु पर मैं निकालना चाहता हूं। इसके लिए मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं इसमें कि इस आवेशित चालक गोलीय कोष, आवेशित भी है, कंडक्टिंग मटेरियल का बना है और गोलीय कोष है, इस आवेशित चालक गोलीय कोष
के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम तीन बिंदुओं पर ज्ञात करेंगे, एक एक बिंदु पर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर। नंबर वन, पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर, पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु P पर, आउटसाइड द सरफेस। एक पॉइंट मैंने ले लिया जो कि सरफेस के बाहर है और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो क्योंकि हम गॉस थ्योरम का यूज करना चाहते हैं इसलिए गॉस थ्योरम में आपको याद होगा बेटा 4 स्टेप्स आपको बताई गई थी और आपने पिछले एक दो डेरिवेशन किए भी हैं जिनमें केवल उन्हीं 4 स्टेप्स का यूज करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है। तो यहां पर भी हम उन्हीं 4 स्टेप्स का यूज करेंगे और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट याद करिए क्या होता था। सबसे पहला पॉइंट होता था कि जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु पर आप उस बिंदु से गुजरने वाला एक गौसियन सरफेस खींचना होगा। और गौसियन पृष्ठ की स्पेशलिटी क्या होगी, गौसियन पृष्ठ की विशेषता यह होगी कि उसमें ई और थीटा की सिमेट्री चाहिए, ई और थीटा। तो इस बिंदु पी पर जो मुझे पता लगाना है तो मैं एक ऐसा सुइटेबल गौसियन पृष्ठ खींचना चाहता हूं जिस पर ई और थीटा की सिमेट्री हो। एक सिमेट्री ना मिले तो 2 बन जाए, 2 ना मिले 3 बन जाए, 3 ना मिले 6 से काम चल जाए हमारा। हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम आपको बता रहे थे उस समय आपको एक बताई गई थी बात कि जो गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से जो चार्ज वितरित होता है ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है जैसे एक बिंदु आवेश करता है। तो ये जो चार्ज होगा इसका बिहेवियर सेम वैसा ही होगा जैसा एक बिंदु आवेश का होता है। अगर बिंदु आवेश जैसा बिहेवियर होता है तो बिंदु आवेश के लिए तो गौसियन सरफेस हम गोलाकार बनाते हैं, तो इसके लिए भी गौसियन सरफेस गोलाकार बननी चाहिए। हम बना के देख लेते हैं, बनेगी नहीं बनेगी आई डोंट नो, मैं बना के देख लेता हूं फिर उसके हर पॉइंट पर चेक कर लूंगा। अगर ई और थीटा सिमेट्रिक मिल जाएगा सो दैट विल बी द सुइटेबल गौसियन सरफेस। ओके, तो मैं इसके लिए एक गोलाकार गौसियन पृष्ठ बना लेता हूं। ये देखिए मैंने एक गोलाकार गौसियन पृष्ठ बना लिया बराबर डिस्टेंस पर इससे, इस तरह से हमने बना लिया। और ये जो पॉइंट है बाहर जो बिंदु है ये मैंने मान लिया कि यहां इसके सेंटर से गोलीय चालक कोष के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। अब पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखिए बेटा, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये चार्ज्ड स्फीयर है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी त्रिज्य रूप से बाहर की तरफ। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप सब जानते हैं ये एक गोलीय चालक कोष है, आवेशित है, इसकी विद्युत बल रेखाएं रेडियली आउटवर्ड होंगी त्रिज्य रूप से बाहर की तरफ क्योंकि प्लस चार्ज है। ये मैंने क्या बनाया है बेटा, ये मैंने बनाया है गौसियन सरफेस। ये हमने गौसियन सरफेस बनाई हुई है। अब इस पर
बना तो लिया हमने गोली, चेक करके देखते हैं कि क्या हो रही है, थीटा सिमेट्रिक है। तो जरा गौर करें इस पॉइंट पर, सबसे पहले मैं ई की सिमेट्री चेक करके दिखाता हूं आपको। गोलीय कोश ऐसे व्यवहार करता है जैसे इसका पूरा का पूरा आवेश इसके सेंटर पर रखा हो। तो क्यू आवेश अगर यहां दिया है आपने तो ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करेगा जैसे कि आपने क्यू आवेश सरफेस पर नहीं बल्कि सेंटर पर रख दिया गया है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ध्यान से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, सब आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्याएं हैं और एक ही गोले की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो सेंटर से गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी इक्वल होगी, बराबर होगी, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बराबर होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, डिस्टेंस पर निर्भर करती है। अगर डिस्टेंस पर निर्भर करती है तो प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होने की वजह से विद्युत क्षेत्र सेम हो गया। ओके, अब एक और चीज की सिमेट्री हमको चेक करनी है, हमें थीटा की भी सिमेट्री चेक करनी है। तो चलते हैं, चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ओके, एरिया वेक्टर कहां है? तो बेटा यहां एक छोटा सा एरिया लेके देखिए, ये एक छोटा सा एरिया होगा सरफेस का, और इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर सरफेस पर बिल्कुल लंबवत होगा। ये एरिया वेक्टर है dA, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल है। अब आप देखें, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, वेक्टर ई एंड वेक्टर dA, सो द थीटा विल बी इक्वल टू 0 degree एट दिस पॉइंट। और अलग अलग बिंदुओं पर चेक करके देख लें, कोई डाउट मत रह जाए। इस बिंदु पर अगर मैं चेक करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है। एरिया वेक्टर कैसा होगा? पृष्ठ पर बिल्कुल लंबवत, dA दोनों के बीच का कोण फिर से 0 degree। यहां पर चेक करके देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। ये एरिया वेक्टर मैंने बना दिया, और यहां पर भी देखें दोनों के बीच का एंगल आपको 0 degree दिखेगा। आप चाहे जहां चेक करेंगे, इस पूरी गॉसियन सरफेस के किसी भी बिंदु पर आप चेक करिए, यू विल फाइंड दैट थीटा विल बी सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। मींस सेंटर से गॉसियन सरफेस का हर बिंदु समान दूरी पर होने के कारण ई सब जगह सेम हो गया, ई की सिमेट्री हमको मिल गई, और हर जगह पर आप देख सकते हैं ई और डीए के बीच का एंगल भी सेम आ रहा है, भले वो 0 degree आ रहा है लेकिन हर जगह एक जैसा आ रहा है। आप और भी जगहों पर चेक करके देख सकते हैं, यहां पर आप चेक करके देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। अगर ये छोटा सा एरिया मैंने लिया तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आएगा परपेंडिकुलर, इसलिए दोनों के बीच का एंगल यहां पर भी 0 degree का आपको मिलेगा। तो आप बेटा देख रहे हैं हर जगह ई और थीटा की सिमेट्री अब मुझे मिल रही है, हर जगह ई सेम है पूरे सरफेस पर, पूरी गॉसियन सरफेस पर, और पूरी गॉसियन सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर थीटा भी सेम है। मैं यहां पर बहुत ऐसे नहीं बनाता हूं क्योंकि मैं थोड़ी सी जगह चाहता हूं यहां। अच्छा, अब क्योंकि ये मैं चेक कर चुका हूं और फर्स्ट स्टेप मैंने पार कर ली है, तो इसके बारे में थोड़ी सी लिखावट कर सकते हैं, शब्दों में थोड़ा सा उसको हम नोट कर सकते हैं। तो ज्ञात करनी है बाहर, पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पी पर, तो यहां पर क्या किया है आपने, बस वही आपको लिख देना है। सर्वप्रथम बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक संकेंद्रीय मींस कॉन्सेंट्रिक, बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक संकेंद्रीय गॉसियन
पृष्ठ कॉन्सेंट्रिक गॉसियन पृष्ठ खींचा जिसके प्रत्येक बिंदु पर ई समान तथा थीटा भी समान है। थीटा समान है लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। ओके, तो ये हमने नोट कर लिया। फर्स्ट स्टेप हम पार कर चुके हैं बेटा। जब फर्स्ट स्टेप हम पार कर चुके हैं, अब हम सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं। तो याद करिए सभी स्टूडेंट, सेकंड स्टेप क्या होती थी? सेकंड स्टेप ये होती थी, कैलकुलेट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो अब मुझे इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो स्टेप टू पे आ जाते हैं। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, आप कैलकुलेट करेंगे, मींस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? 0 डिग्री लिखेंगे आप थीटा की जगह पर। अब मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि मुझे यहां जगह मिल जाए और मैं यहीं पर इसको कर सकूं। कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि पूरी गॉसियन सरफेस के हर बिंदु पर ई कैसा है? सेम। तो ई कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसे मैं बाहर ले सकता हूं, कॉस थीटा की जगह 0 लिख देंगे। तो मैंने ई को बाहर ले लिया, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए और थीटा की जगह 0 डिग्री। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। एंड दिस इज अवर स्टेप टू। ई ध्यान से देखें बेटा, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अब मुझे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए करना है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए। आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अगर केवल डी ए है, केवल डी ए, तो इसका मतलब है ये छोटा सा क्षेत्रफल बस। लेकिन अगर डी ए में इंटीग्रेशन का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये छोटा सा एरिया जिस भी सरफेस पर है उस पूरी सरफेस का एरिया मुझको चाहिए। तो याद करिए, ये डी ए किस सरफेस पर है? आंसर है डी ए तो गॉसियन सरफेस पर है। और गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? गॉसियन सरफेस की रेडियस आर है। इसलिए अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए चाहिए तो इस पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया चाहिए। और गॉसियन सरफेस कैसी है? गोलाकार। तो गोले का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 4πr² से निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी e इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए 4πr². याद रखें बेटा ये वाली बात, 4πR² इस गोलीय कोश का क्षेत्रफल है। मुझे गोलीय कोश का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, मुझे गॉसियन सरफेस का चाहिए। क्योंकि डी ए भले ही एक छोटा सा एरिया है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब है इस तरह के जितने छोटे छोटे एरिया इस गॉसियन सरफेस पर हैं उन सब का जोड़। तो अगर इस प्रकार के सभी छोटे छोटे एरियाज का जोड़ कर देंगे तो पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया निकल आएगा। और गॉसियन सरफेस गोलाकार है, गोले का एरिया 4πr² होता है, रेडियस गॉसियन सरफेस की स्मॉल आर है, सो द
टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस विल बी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस तरह से सेकंड स्टेप भी हमारी पार हो गई है। इसमें क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए की वैल्यू हमने निकाली ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सेकंड स्टेप हमने कर लिया। थर्ड स्टेप याद करें बेटा क्या होती थी? थर्ड स्टेप होती थी कि गॉसियन सरफेस से घिरा हुआ नेट आवेस कैलकुलेट करना होगा अब हमको। तो यहां पर मैं कैलकुलेट करूंगा। अब गॉसियन पृष्ठ से घिरा नेट आवेश, बेटा नेट आवेश को हम स्मॉल क्यू से लिखते थे। और याद करें, देखें जरा फिगर को, दिस इज द गॉसियन सरफेस और इस चालक को दिया गया टोटल आवेश इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। आप देखें इसको दिए गए किसी भी आवेश में से कोई भी आवेश गॉसियन सरफेस के बाहर नहीं दिख रहा होगा आपको। सारा का सारा इसका जो चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही है। और कितना चार्ज बेटा आपने इसको दिया था? तो सबसे शुरुआत में देखिए हमने लिखा है कि चालक गोलीय कोश को हमने कैपिटल क्यू आवेश दिया हुआ है। तो हमने इसको कैपिटल क्यू आवेश दिया हुआ था, इसलिए नेट आवेश कितना हो गया? कैपिटल क्यू। ध्यान रखें ये दो जगह क्यू देखकर आप कंफ्यूज मत हो कि तो टू क्यू आवेश है। ये क्यू आवेश मैंने सरफेस पर दिया था और ये बताया था कि सरफेस पर दिया गया आवेश उसी तरह बिहेव करता है जैसे कि वो पूरा का पूरा आवेश सरफेस पर नहीं बल्कि इसके सेंटर पर रखा हो, इसलिए मैंने यहां लिखा था। तो नेट आवेश भी हमने कैलकुलेट कर लिया। सो आई हैव ऑल्सो क्रॉस्ड थर्ड स्टेप। ओके, थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप क्या होती थी बेटा? याद करें फिर से, फोर्थ स्टेप में होता था कि अब हम गॉसियन थ्योरम को अप्लाई कर देते थे, गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देते थे। तो चलिए गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। अब गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय में होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E dot dA is equal to 1 upon epsilon naught into Q. Values apply कर देते हैं। मान रखने पर, मान आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए बेटा क्या है। इसकी वैल्यू हम निकाल के लाए हैं E into 4 pi small r square is equal to 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू नेट चार्ज कैपिटल क्यू। अब अगर आप यहां से ई की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो देखें भैया ई का मान आपको क्या मिलेगा। ई की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आपको उधर भेजना पड़ेगा, तो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ 4 पाई दे दीजिए, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद q और ये अपॉन r स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। आप देखें बेटा स्मॉल r क्या चीज है? स्मॉल r है गोलीय कोश के केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। स्मॉल r गोलीय कोश से उस बिंदु तक की दूरी है या आप लिख सकते हैं गोली कोश बिंदु P तक की दूरी है और बिंदु P ही पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। R गोलीय कोश से बिंदु P तक की दूरी है। अच्छा, आप चाहें बेटा तो यहां पर शुरू में हमने कैपिटल Q की वैल्यू निकाली थी सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आप चाहें तो इसकी जगह वो वैल्यू यूज कर सकते हैं।
तो आप देखें, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि कैपिटल क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर। तो आप जब ये वैल्यू यहां लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और मिल जाएगा आपको, वो मिलेगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4πr2, सिग्मा इंटू 4πR² अपॉन स्मॉल आर स्क्वेयर। आप चाहें तो 4π से 4π कैंसिल कर सकते हैं। 4π से 4π कैंसिल कर देने के बाद आपको जो फॉर्मूला मिला वो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वेयर अपॉन स्मॉल आर स्क्वेयर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वेयर अपॉन स्मॉल आर स्क्वेयर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है अगर गोले कोश के बाहर कोई बिंदु है। ध्यान रखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर है और सरफेस पर ही बिंदु P है, अतः ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P पर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो सूत्र मिले आपको, एक ये फॉर्मूला मिला, एक यहां पर आपको फॉर्मूला मिला। तो आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है कि अगर कोई एक समान रूप से आवेशित किया हुआ एक चालक गोली कोष है तो उस चालक गोली कोष के बाहर अगर कोई भी बिंदु है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर के बराबर होता है। और बेटा मैं एक चीज याद और आपको दिला दूं कि यही फॉर्मूला तो एक बिंदु आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र का बना था। याद आ रहा होगा सभी बच्चों को कि यही फॉर्मूला था एक बिंदु आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बनाया था। यहां से आज एक बात और क्लियर हो जाती है कि अभी तक तो मैं सिर्फ ये बोलता था, अभी तक मैं सिर्फ बोलता था कि एक समान रूप से आवेशित चालक गोलीय कोष ठीक उसी तरह बिहेव करता है जैसे कि उसके सेंटर पर ही पूरा का पूरा आवेश रखा हो, लेकिन आप ध्यान से देखें एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव करता है। पर आप गौर करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से होता था वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस गोलीय कोष की वजह से आया है। तो न सिर्फ हम इस बात को समझते हैं बल्कि हमने इस बात को डिराइव करके भी देखा, हमने इसका डेरिवेशन भी करके देखा, हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया है कि आवेशित गोलीय कोष एक बिंदु आवेश की तरह ही बिहेव करता है, तभी उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आया वो बिंदु आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आता है उसी के बराबर आया हुआ है। तो ये आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ये भी फॉर्मूला है। आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। दूरी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी गोलीय कोष से, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ते जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगी। तो ये गोलीय कोष इससे बाहर जब तक आप रहेंगे और जैसे जैसे बेटा इससे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होते जाएगी, डिस्टेंस के साथ घटती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो ये आउटसाइड द पॉइंट था। अब हम एक काम करते हैं, हम ऑन द सरफेस ले लेते हैं, पृष्ठ पर अगर कोई बिंदु है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र रहेगा उसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं अब यहां से। गोलीय कोष के पृष्ठ पर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। सेकेंड पॉइंट में ले लेता हूं, गोलीय आवेशित आवेशित चालक गोलीय कोष के पृष्ठ पर, पृष्ठ पर अगर कोई बिंदु है यहां पर, ये बेटा आवेशित चालक गोलीय कोष है, ये तो गॉसियन सरफेस बनाई थी हमने कैलकुलेशन करने के लिए, बट टुडे वी हैव टू फाइंड
द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फेरिकल सेल एट दिस पॉइंट एट द सरफेस। सरफेस पर ही मुझे पता लगाना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आवेशित चालक गोलीय कोष के पृष्ठ पर अब हम बात करेंगे। पृष्ठ पर अगर मुझे बात करनी है तो मैं इस फिगर को इरेज कर दूंगा, इसकी जगह मैं एक दूसरा फिगर यहां पर बनाता हूं। आप भी सभी बच्चे समझिए, ये मैंने वही चालक गोलीय कोष बना दिया, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, रेडियस पहले भी आपको बताया जा चुका है कैपिटल आर है, और इस बार जो बिंदु पी है या जिस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बेटा सरफेस पर ही है, यहीं पर है ऑन द सरफेस। अभी कहां था? बाहर था, अब सरफेस पर है। और हमने जो इसको चार्ज दिया वो पूरी तरह से आप तो जानते ही हैं, इसकी सरफेस पर एक समान रूप से ऐसे वितरित हो जाएगा। आप जो भी चार्ज देते हैं इस तरह से इसकी पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जो बिंदु P है वो बिल्कुल सरफेस पर है और यहां मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए फिर से मैं एक गौसियन सरफेस बनाऊंगा। ओके, बिंदु P से गुजरने वाली गौसियन सरफेस, गौसियन सरफेस यहां पर कैसी बनेगी? थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा कि ये अगर सरफेस है तो गौसियन सरफेस इस सरफेस के ऊपर बिल्कुल इसको स्पर्श करते हुए हल्का सा ऊपर इसके हम गौसियन सरफेस बना देंगे, ऐसे इसको टच करती हुई गौसियन सरफेस रहेगी। इस तरह से आपको गौसियन सरफेस बनानी रहेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं कि अगर ये एक गोलीय कोश है और इसको जो भी हमने चार्ज दिया वो इस पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। अब हमने इस पर बनानी है गौसियन सरफेस, तो ऐसी गौसियन सरफेस मैंने बनाई, जैसा ये मेरा हाथ इसके ऊपर ऐसा ऊपर से है, ताकि जब गौसियन सरफेस बनाएंगे तो ये पूरा स्फेरिकल शेल ऐसा मेरे हाथ से ढक जाएगी बिल्कुल। अब आप फिर से सोचने का प्रयास करें कि इस शेल के अंदर जो भी चार्ज था कितना चार्ज था? बेटा वही चीज है, इसको मैंने क्यू चार्ज दे के रखा हुआ था, और जब थोड़ा सा बाहर ऐसा स्पर्श करते हुए आप बनाएंगे तो अब आपको क्या लगता है, इस गोली ये जो हमारी गौसियन सरफेस बनेगी, ये जो अंदर वाली सरफेस है ये क्या है? ये तो गोलीय कोश है, ये है आवेशित चालक गोलीय कोश है, ये तो स्फेरिकल कंडक्टर शेल, और ये जो बाहर मैंने सरफेस बनाई है ये गौसियन सरफेस है, ये गौसियन सरफेस है। तो गौसियन सरफेस कैसे बनेगी? आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। चालक गोली कोष अगर ये है तो इसके ऊपर थोड़ा सा स्पर्श करते हुए लेकिन ऊपर ऐसा बनेगी। अब बेटा ध्यान से देखें, अगर ऐसी बनेगी तो इस गौसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज आ गया? इस गौसियन सरफेस के अंदर टोटल क्यों चार्ज आ गया? एक भी चार्ज इस गौसियन सरफेस से अब बाहर नहीं होगा। आप खुद सोचिए, आपने इसको चार्ज दिया है और गौसियन सरफेस आपने ऐसी बनाई है बिल्कुल टच करते हुए, तो गौसियन सरफेस के तो अंदर ही पूरा चार्ज है, बाहर तो नहीं है ना चार्ज है। तो ये बिल्कुल वही स्थिति हो गई बेटा जो अभी वन नंबर पे आप सॉल्व करके आए, सेम कंडीशन सेम डेरिवेशन आपको इसमें भी वही करना है, कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि जो गौसियन सरफेस मैंने बनाई पहले पॉइंट में भी टोटल चार्ज गौसियन सरफेस के अंदर था, इस वाले में भी तो टोटल चार्ज बेटा गौसियन सरफेस के अंदर ही है, फर्क बस इतना है कि इस बार जो आपका ये आर है स्मॉल आर, सेंटर से बिंदु पी तक की दूरी वो स्मॉल आर इस कैपिटल आर के अर्थात गोली कोश की त्रिज्या के बिल्कुल बराबर होगा।
तो यहां पर आपको सेम डेरिवेशन वही करना है जो पार्ट वन में करे हैं आप। इसलिए मैं नहीं करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। अभी क्या फॉर्मूला निकाला है आपने, अभी आपका फॉर्मूला है 1/4πε0Q/r2। तो यही फॉर्मूला इसके लिए भी काम करेगा, 1/4πε0Q/r2 है, क्योंकि फर्स्ट केस में स्मॉल r जो था वो कैपिटल r से बड़ा था क्योंकि पॉइंट p बाहर था। इस केस में बेटा देखें स्मॉल r और कैपिटल r दोनों सेम है, तो हम इस स्मॉल r की जगह पे क्या नोट कर सकते हैं, कैपिटल r लिख सकते हैं। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आपको मिलेगा, सेम डेरिवेशन, कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी गॉसियन सरफेस के अंदर ही टोटल चार्ज था और इस बार भी टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर ही है, ये फॉर्मूला बनेगा। इसमें भी अगर आप q की जगह ये वैल्यू अप्लाई कर दें तो क्या फॉर्मूला मिलेगा आप देख सकते हैं, बट कैपिटल q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πR2, देयरफॉर E विल बी 1/4πε0Q/r2। Q की जगह मैं लिखूंगा सिग्मा इंटू 4πR2/R2। 4π से 4π कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमें मिला वो मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बेटा फिर से एक बार याद करें, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला हुआ था किसके लिए मिला था, तो आंसर ये हमें मिला था चार्ज ऑफ शीट की वजह से, एक शीट जिसमें दो सरफेस थी चार्ज की, उसकी वजह से उससे कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यह फॉर्मूला हमको मिला था। तो फिलहाल ये भी फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का है सरफेस पर, ये वाला फॉर्मूला भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इस फॉर्मूले को देखिए, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2, मींस गोलीय कोश की त्रिज्या अगर बड़ी होगी तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, कम। एक चीज और, पहले ये पॉइंट P कहां था, बाहर था, अब ये पॉइंट धीरे 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 सरफेस पर आ गया, तो पहले के अपेक्षा बिंदु P की दूरी कम हुई कि ज्यादा हुई, कम हो गई, ओके। अगर पहले के अपेक्षा बिंदु P की दूरी कम हो गई है, पहले स्मॉल r थी बड़ी थी, अब कम होकर कैपिटल R के बराबर हो गई है, तो दूरी कम हो गई है ना बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया होगा, ज्यादा, विलोमानुपाती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया होगा। तो अगर एक पॉइंट यहां पर है तो यहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये पॉइंट यहां पर ले आता हूं मैं तो इस बिंदु पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों जगहों के इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, किसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो आंसर है यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि यहां से इसकी दूरी कैसी हो गई है, कम, और दूरी कम हो जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो ये वाला केस है आवेशित चालक गोलीय कोष के पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले, एक ये है और एक ये है। यहां पर भी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 है, बाहर वाले बिंदु के अपेक्षा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। अब फिर से मैं तीसरी कंडीशन लेता हूं कि अगर यही बिंदु P इस चालक गोलीय कोष के भीतर है तो क्या होगा। मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, पॉइंट थ्री इसका लेता हूं, आवेशित चालक गोलीय कोष के अंदर किसी बिंदु पर, थर्ड नंबर आवेशित चालक आवेशित चालक गोलीय कोष के अंदर
किसी बिंदु पर। इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं कि आवेशित चालक गोली को सही है, पर अगर उसके अंदर कोई बिंदु है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, क्या मान आएगा उसका, वो हम देखना चाहते हैं। तो मैं इसको भी यहां से रिमूव कर देता हूं। आप अच्छे से समझिए फिर देखें इस पॉइंट को। मैं इसके लिए भी एक अलग से फिगर बना देता हूं। सबसे पहले चालक गोलीय कोश मुझे बनाना है, तो ये मैंने बना दिया चालक गोलीय कोश। ओके, चालक गोलीय कोश बनाया, जिसको हमने आवेश जब दिया तो क्योंकि कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, इसका पूरा का पूरा आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हम ये जानते हैं। बेटा आप ये भी जानते हैं कि इस आर्टिकल में लगातार हम इस चालक गोली कोष की त्रिज्या कैपिटल आर मान रहे हैं। इसको हमने टोटल आवेश कितना दिया है, कैपिटल क्यू आवेश दिया है। इस बार हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो पॉइंट गोली कोष के अंदर है, अंदर है कहीं पर भी आप मान लीजिए। ये रेडियस इसका कैपिटल आर है, यहां पर हम बिंदु पी मान लेते हैं। इस बार आप देखिए ये बिंदु पी गोलीय कोश के अंदर आ गया। ओके, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमेशा सेंटर से बिंदु पी तक का डिस्टेंस हमने स्मॉल आर माना है। जब बाहर था तो भी स्मॉल आर, सरफेस पर आया तो भी स्मॉल आर, और अब अंदर आ गया तो भी स्मॉल आर। यहां पर आप देखेंगे कि जो स्मॉल आर होगा दैट विल बी लेस देन कैपिटल आर। स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर से छोटी है। जब यही बाहर था, आउटसाइड था, आउटसाइड आर वॉज और वॉज ग्रेटर देन कैपिटल आर ऑन द सरफेस, सरफेस पर अगर कोई बिंदु है तो स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के। और अगर कोई बिंदु अंदर है सरफेस के, गोली कोश के अंदर है, तो उसके लिए आर इज लेस देन कैपिटल आर। ओके, अब आपको समझ में भी आ रहा है। अब फिर से मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, सबसे पहले मुझे बिंदु पी से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ चाहिए। तो बिंदु पी से गुजरने वाला एक गॉसियन सरफेस मैं बना लेता हूं, और यहां पर भी जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ही होगी। ये हमने गॉसियन सरफेस बना ली। तो याद रखें ये क्या है बेटा, ये है चालक आवेशित चालक गोलीय कोश, ये है आवेशित चालक गोलीय कोश है ये। तो ये क्या चीज आपने बनाया है, ये बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है। यहां पर मैंने गॉसियन पृष्ठ बनाया हुआ है। अब एक चीज देखने लायक है, मुझे यहां पर भी चार के चारों स्टेप्स करने चाहिए, लेकिन क्योंकि उन चारों स्टेप्स को करने का बेटा कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों बेनिफिट नहीं है, आप ध्यान से देखें, यहां एक स्टेप आप केवल देख लीजिए, थर्ड स्टेप आप चेक कर लीजिए इसका। थर्ड स्टेप क्या होता था, कैलकुलेट द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ नेट आवेश कैलकुलेट करिए। गौर से देखना बेटा, आपने गोलीय चालक कोष को जो चार्ज दिया है वो इसकी सरफेस पर फैला हुआ है, सबको दिख रहा है। ये हमने गॉसियन सरफेस बनाई हुई है, ये हमने गॉसियन सरफेस बनाई है। गौर से सभी बच्चे देखें और मुझे बताएं कि इस गॉसियन सरफेस से घिरा हुआ इसके अंदर कितना चार्ज है। सभी बच्चे ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है। तो आंसर है इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि जो गोली कोष को मैंने चार्ज दिया है
वो चार्ज तो इसकी सरफेस पर एक समान रूप से वितरित है। ये जो गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है इसके अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं। हो सकता है कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न आ जाए कि सर एक क्षेत्र में अभी आपने बनाया था तो यहां पर भी प्लस क्यू दिखा था, तो आप लिख दीजिए तो इसके अंदर क्यू चार्ज आ जाएगा। नहीं, मैं बता दूं, जब मैंने लिखा था तो मैंने कहा था कि गोली कोश को दिया गया आवेश उसी तरह व्यवहार करता है जैसे मानो कि उसके सेंटर पर चार्ज रखा हुआ हो, लेकिन असल में तो नहीं रखा ना। रियल में तो चार्ज कहां है, रियल में तो चार्ज सरफेस पर है। ये तो मान लेते थे कि ऐसा है और उसी तरह से बिहेव करता है वो। लेकिन ध्यान दें कि आज इस गॉसियन सरफेस से घिरा कोई आवेश नहीं है बेटा, तो मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा और जरूरत भी नहीं है करने की आपको। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूं पर आपको करना पड़ेगा, नो, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं। यहां सबसे पहले मैं गॉसियन सरफेस के बारे में लिखता हूं। सर्वप्रथम बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल r त्रिज्या का एक संकेंद्रीय गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। तो हमने ये गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। ओके, इस चित्र से स्पष्ट है कि इस गॉसियन पृष्ठ से घिरा नेट आवेश कितना है? शून्य, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा का सारा चार्ज तो बाहर है। अगर बेटा नेट आवेश क्यों शून्य है, तो जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करने जाओगे तब गॉस प्रमेय से मुझे सारी स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। गॉस प्रमेय जब आप लगाने जाएंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे? जीरो। जैसे ही जीरो लिखेंगे सो द राइट हैंड साइड विल बी जीरो। राइट हैंड साइड अगर जीरो हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, या आप मत लिखें, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखें, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए का तो मान कुछ ना कुछ होगा ना। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए का क्या मतलब है? डी ए है इस गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल, और क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए क्या है? इस पूरी गॉसियन सरफेस का क्षेत्रफल। तो इस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए का मतलब है पूरी गॉसियन सरफेस का क्षेत्रफल, और आज पूरी गॉसियन सरफेस का क्षेत्रफल आप देखने जाएंगे तो जीरो नहीं है। इसका गॉसियन पृष्ठ का एरिया आप देखेंगे तो वो भी बेटा 4π स्मॉल r स्क्वायर के बराबर है। आप देखें इतना बड़ा एरिया है, जीरो नहीं है ये। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो फिर जीरो कैसे हो गया? जाहिर सी बात है कि कौन जीरो रहा होगा? e जीरो रहा होगा। फिर से देखिए, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA तो कुछ ना कुछ है, तो फिर इसका मल्टीप्लीकेशन जीरो कैसे हुआ? आंसर है ई जीरो होगा। इट मीन्स वी कैन राइट दैट इनसाइड द ई इज जीरो। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आप सभी स्टूडेंट्स को यह रिजल्ट याद रखना है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है?
आंसर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु पी पर है। बिंदु पी कहां पर है? तो आंसर है गोली कोश के अंदर है बिंदु पी। इसका मतलब है अगर गोली कोश जो कि आवेशित है उसके अंदर कहीं पर भी कोई बिंदु मानेंगे, अंदर होना चाहिए वो बिंदु, तो उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? बिल्कुल जीरो। तो अगर ये एक गोली कोश है, इसे आपने आवेशित कर दिया है, तो इसके अंदर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेंगे अंदर। बट याद रहना चाहिए कि ये आवेशित हो और चालक गोलीय कोश होना चाहिए, नॉन कंडक्टर नहीं, कंडक्टिंग मटेरियल का बना होना चाहिए। तो उसके अंदर एट एवरी पॉइंट सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो के बराबर होगी। बात समझ में आ गई? तो आप याद रखें गोलीय कोश के अंदर हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम होगी अगर गोलीय कोश चालक पदार्थ का बना हुआ है। तो यह एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है और इस पर क्वेश्चंस भी बहुत सारे लोग पूछा करते हैं। किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गॉस थ्योरम का, या पहले मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन सा लॉ है, कौन सी थ्योरम है जो ये प्रूव करती है कि गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है। तो आप देखें किस थ्योरम से प्रूव हुआ कि एक गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य है? आंसर है गॉस लॉ से प्रूव होता है, गॉस थ्योरम से प्रूव होता है। सेकंड क्वेश्चन यह मिला कि गॉस थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ गॉस थ्योरम। सो प्लीज रिमेंबर दैट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ गॉस थ्योरम इज दैट द इनसाइड एनी चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो। कि किसी भी गोली कोश के भीतर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। और आपने देखा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज था ही नहीं, तो मुझे बाकी सारी स्टेप्स लेने की जरूरत भी नहीं थी। अब क्योंकि मैंने देखा कि गोली कोश की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, डिस्टेंस के साथ डिफर करता है, डिस्टेंस के साथ बदलता है, तो मैं इसको एक छोटा सा ग्राफ बना करके भी इसे समझ सकता हूं। उसके लिए अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से गोलीय कोश बना के दिखाता हूं। देखिए बेटा, ये गोलीय कोश है जिसके रेडियस कैपिटल आर है। सबसे पहले मैंने जो बिंदु लिया, यहां पर बिंदु लिया था आउटसाइड, बाहर है बिंदु। इसके बाद यहां पर दूसरा बिंदु लिया गया था, यहां से ये डिस्टेंस आर थी, यहां पर एक बिंदु लिया गया था और ये बिंदु ऑन द सरफेस था। इसके बाद अंदर हमने एक बिंदु लिया, ये इनसाइड द सरफेस। तीन जगहों पर मैंने निकाला। और अब आप गौर करें कि जो फॉर्मूले निकले थे इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, अगर इस पर कैपिटल क्यू चार्ज हमने दिया हुआ है तो यहां पर फॉर्मूला आया था 1/4πε0Q/r2। स्मॉल r क्या है? बिंदु P तक की दूरी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना था? वो बना था 1/4πε0Q/R2। ये और ये फॉर्मूला सेम था, केवल एक बात का फर्क था कि ये यहां की जो डिस्टेंस है स्मॉल r का मान वो कैपिटल R के बराबर ही है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी? जीरो। अब आप देख सकते हैं बेटा, बाहर है तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे हम ऐसे पास आते गए, ये R की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे मैं सरफेस की ओर आता गया, R घटता गया लेकिन E बढ़ता गया। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें कि इस बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r है, फिर मैं इसके बाद सरफेस पर आ गया हूं, तो जैसे जैसे आप सरफेस की ओर आ रहे होंगे इस R का क्या हो रहा होगा? कम हो रही होगी।
आर घटने से ई का क्या हो रहा होगा, बढ़ रही होगी। यहां पर आके ई की वैल्यू बढ़ के कुछ हो गई होगी, लेकिन जैसे ही हम अंदर पहुंचे, जैसे ही सरफेस के अंदर पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, जीरो। इट मींस यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, जब आप सरफेस की तरफ आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगा, और जैसे ही आपने एक कदम सरफेस के अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इट मींस कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर था। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, दिस वॉज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे ज्यादा यही वैद्युत क्षेत्र है। जैसे जैसे आप गोली कोस की ओर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ई बढ़ रहा है, ई बढ़ रहा है, यहां पर मैक्सिमम हो गया, इसके अंदर गए, खत्म, जीरो। और देखिए यहां पर बढ़ रहा है, ई बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम। जैसे आप अंदर आए, शून्य, जीरो हो गया, जीरो जीरो जीरो। और दूर जाने लगी है, जीरो जीरो जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि अभी भी हम शेल के अंदर हैं और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सरफेस पर आ गए, अगेन इट इज मैक्सिमम। फिर दूर जाने लगी है आप, तो दूरी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगा। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते चला जाएगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, यहां पर है, जब आप सरफेस की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो जीरो जीरो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आगे चलेंगे, फिर से घटने लगेगा। इस बेसिस पर मैं चाहूं तो इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, इसके एक ग्राफ को मैं बना सकता हूं। यहां पर आप सभी गौर से देखें, यहां पर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, और उस ग्राफ में दो टाइप्स की लाइंस हैं। यहां पर एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं डिस्टेंस को ले रहा हूं, दूरी को ले रहा हूं, स्मॉल आर को मैं ले रहा हूं, और ये जो वर्टिकल लाइन मैंने यहां पर बनाई है, ऊर्ध्वाधर रेखा ये बनाई है, इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले रहा हूं। जितना ग्राफ ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। ग्राफ जितना राइट साइड पे जाएगा, डिस्टेंस बढ़ रही है। ये मैंने मान लिया, दिस इज द सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ये उसका सेंटर है। सेंटर से जब आप चलना एक साइड में स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक तरफ, सेंटर से किसी एक तरफ चलना स्टार्ट करेंगे, पहले आपको सरफेस मिलेगी। तो मैंने मान लिया यहां पर मुझे सरफेस मिल गई। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सरफेस है, ये सरफेस है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस कैपिटल आर है। सरफेस पर है, और जितनी देर आप यहां पर हैं, उतनी देर आप इनसाइड द स्फेरिकल शेल हैं, इनसाइड। अब जब इसके यहां पर आ जाएंगे, तो ये आप यहां पर आउटसाइड हो जाएंगे, स्फेरिकल शेल के बाहर आ जाएंगे। अब अभी अभी हमने जितनी भी चीज समझी, उसमें क्या देखा? सेंटर पर जीरो 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 जीरो, सरफेस तक जीरो। जैसे बिल्कुल सरफेस पर आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम। तो ग्राफ कैसा चलेगा? ग्राफ ऐसे चलेगा। अभी क्योंकि हम अंदर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो 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 जीरो, एक भी ग्राफ अभी ऊपर की तरफ नहीं चल रहा है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जैसे ही आप सरफेस पर आए, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा हो गया। मैंने मान लिया कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना है, इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा। अब इससे और आगे चलने लगी, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया सरफेस पर है। अब जब और आगे चलेंगे, सरफेस से भी आप आगे जाने लगेंगे, तो स्मॉल आर बढ़ने लगेगा, ई घटने लगेगा।
ई घटने लगेगा तो ये किस रेशियो में घट रहा है, तो आप देखेंगे ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। तो हमारा आगे का जो ग्राफ आएगा वो लगभग इस तरह का आएगा, आर स्क्वेयर के प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो रहा है। आप याद रखें इसको आगे पैरेलल कभी मत बनाएं, ऐसा करके ऐसा समांतर नहीं करना है आपको। क्यों पैरेलल इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं मानते हैं कि जब आर बहुत ज्यादा हो जाएगा अनंत हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, जीरो। उस समय यह ग्राफ इस डिस्टेंस वाले अक्ष को टच करेगा, लेकिन अभी नहीं कर रहा है क्योंकि यह काम अनंत पर होगा जाकर के। तो इसमें कौन सा प्रोपोर्शन चलता है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आउटसाइड द सर्फेस। इन साइड द सर्फेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ऑन द सर्फेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा सेंटर पर जीरो, जितनी देर अंदर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, उसके आगे जैसे ही आप दूरी के साथ बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर घटने लगेगा। और इसे कभी भी आप इसके पैरेलल मत बनाएं क्योंकि ये आगे इंफिनिटी पर जाकर के इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इस तरह से हमने देखा इस तरह से डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होता है एक चार्ज स्फेरिकल शेल में। तो यह हमारा ग्राफ भी है, आप अच्छे से इसे पहचान लें, समझ लें, बना लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आज हम लोगों का आर्टिकल जो था जिसमें हमने एक आवेशित गोलीय चालक कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, ये हमने कंप्लीट किया। इसके आगे और भी हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन और बाकी रह गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे।